हेलो बच्चों, आज इस में क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से ये चार ऑप्शन में वो मैट्रिक्स नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं, बाय सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इधर एक रो ऑपरेशन यूज करके इसमें से मैट्रिक्स नहीं आएगा। कौन सा मैट्रिक्स नहीं आएगा वो फाइंड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इधर। ओके, सो मैट्रिक्स गिवन, ओके इधर एक मैट्रिक्स है, ले लो मैट्रिक्स गिवन क्या है, -1, 2, 1, -1 करके है मैट्रिक्स। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 करके मेंशन करेंगे। अभी क्या करना है इस मैट्रिक्स को, सो रो ऑपरेशन यूज करना है। R1 फर्स्ट रो, R मतलब रो ऑपरेशन, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करना है, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। सो कैसे आएगा इक्वेशन नंबर 1, अभी देखो R1 में R2 का रो को ऐड करना पड़ेगा। सो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ऐड करो, मतलब इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, सेकेंड एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है ना। सो -1 + 1 बिकम 0 हो जाएगा, दिस इज 0। ओके सॉरी, इधर नंबर चेंज करूंगा, दिस बिकम 0, ठीक है। बाद में 2 - 1 क्या आएगा, सो आई राइट डिटेल हेयर, सो डिटेल में लिखना अच्छा है। सो -1 + 1 फर्स्ट रो ओनली, ओके सेकेंड रो का, देन सेकेंड रो भी ऐड हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट को 2 - 1 एंड सेकेंड रो इज एज इट इज। सो कैसे आएगा ये, सो 0, 1, 1, -1, मतलब ए ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया था, ठीक है ना। और एक नई मैट्रिक्स नहीं आना है, कौन सा नहीं आएगा वो चेक करना है इधर, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इंटरचेंज R2, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इंटरचेंज करेंगे हम। सो इंटरचेंज किया तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके इक्वेशन नंबर 1 का R1 एंड R2, सो ये हो गया R1 एंड ये हो गया R2, ठीक है। सो R1 R2 1 - 1 - 1 2 इस तरह इंटरचेंज किए हमने। ओके ये कहां से दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई हो गया, व्हेन यू चेंज द रोज ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, R2 इज इक्वल टू R2 + 2 R1, ओके कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 को करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सो क्या है, R1 तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, -1, 2, देन R2 क्या हो जाएगा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 को, बाद में R2 में ऐड करना पड़ेगा। R2 का एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके बाद प्लस, ओके 2 - 1 R1 का एलिमेंट है, ठीक है। बाद में सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट -1 है, बाद में प्लस 2 क्या करना है, फर्स्ट रो का एलिमेंट लेना है, इस तरह लेना है। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, 2, 1 - 2, -1 + 4 इस तरह आएगा। सो फाइनली मैट्रिक्स कैसे आएगा, -1, 2, -1 दैट इज ए 3, मतलब ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तीनों सेटिस्फाई हो गया रो एलिमेंट करने के बाद, सी ही नहीं आया। क्या फिगर करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से सी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपको जो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब किया तो आपको नई वीडियो का नोटिस मिलेगा। आपको दूसरी मैथमेटिक्स वीडियो चाहिए मेरे यूट्यूब की प्लेस में चाहिए, आई बटन में भी कुछ लिंक्स है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। Thanks for watching.